मोमेंट ऑफ रशिया के एग्जांपल्स में ये क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर आपको दिखेंगे, और काफ़ी बार लोग डाउट्स भी ले आते हैं कभी कभी करते करते, तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के सॉल्व किए ताकि डाउट्स कम से कम आए। तो पहला क्वेश्चन है, तीन रॉड्स हैं, मास एम और लेंथ एल है, आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सच दैट इन तीनों रॉड्स का एक कॉर्नर ओरिजिन पे लाई करता है। तो ये तीनों रॉड्स ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं, क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का अबाउट जेड एक्सिस। तो एक रॉड इटसेल्फ कहां लाई कर रही है, अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड के अलोंग, एक बात बताओ, अगर रॉड भी जेड के अलोंग है और एक्सिस भी जेड है, तो इस रॉड का जेड एक्सिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्सिस इसके बीच में से पास कर रहा है, छोड़ दें। नेक्स्ट, अगर ये जेड एक्सिस है, मेरा पेन जेड एक्सिस है और ये एक रॉड है, तो ये पेन इस रॉड के लिए टेंजेंट है, तो टेंजेंट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और इस रॉड के लिए भी ये पेन एक टेंजेंट है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो इसका भी एम एल स्क्वायर बाई थ्री, इसका भी एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और इसका क्या, जीरो। तो आंसर टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इज द आंसर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होगा नहीं आपसे, ये भी नहीं करना हमने, ये करना है। क्वेश्चन है, फिगर रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का एक्सिस ये सेंटर का है, सेंटर के अलावा फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस पे कोई एक और एक्सिस है, तो अगर एक्स दूरी पे एक और एक्सिस है, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसके अबाउट आई का फॉर्मूला क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर। तो i की वैल्यू आ गई इसमें, आपको प्लॉट करना है i वर्सेस x का ग्राफ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन सकता है इसको देखते हुए? नहीं बन सकता। स्ट्रेट लाइन कब बनता है? स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब i और x की डिग्री 1 हो, है ना? तो i प्रोपोर्शनल टू x हो, डिग्री 1 और 1 हो, हां स्ट्रेट लाइन बन सकता है। पर अगर एक की डिग्री 2 हो, यानी कि एक की पावर 2 हो, एक की 1 हो, तो पैराबोला बनता है हमेशा। तो ये तो बात पक्की है कि स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ बन ही नहीं सकता इसका, क्योंकि i और x स्क्वायर का ग्राफ है, x का ग्राफ नहीं है, तो स्क्वायर है तो पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला में से दोनों में से डिसाइड करना क्या बनेगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे? डी आंसर है, ए सी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक्स 0 पुट करोगे तो चेक करो, i 0 नहीं आ रहा, कम से कम क्या आ रहा है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो x 0 करने पे i 0, यहाँ पे 0 है, तो ये ग्राफ हो नहीं सकता, तो ग्राफ ये बनेगा। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, If I1 is the moment of inertia of a thin rod about an axis perpendicular to its length and passing through its center of mass, तो ये एक rod है, center of mass में से axis pass कर रहा है, तो I की value क्या होगी, ml square by 12।
अब वो कह रहे हैं कि अब आई टू इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, इसके अबाउट आई की वैल्यू आई टू है, लेकिन ये रिंग कैसे बनी हुई है, ये रिंग बनी हुई है बाय बेंडिंग दी रॉड को बेंड करके बनी हुई है। अब रॉड की लेंथ क्या है, एल, रॉड को जब सर्कल रिंग बनाएंगे तो एल क्या होगा, टू पाई आर, तो आर क्या होगा, एल बाय टू पाई। अब रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, आर की जगह क्या पुट करेंगे, एल अपॉन टू पाई, तो आई वन आ गया, आई टू आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके आई वन एंड आई टू की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, रॉड का तो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व पता ही है, रिंग में रेडियस चाहिए होगा तो लेंथ सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई, तो एल इज इक्वल टू टू पाई आर, आर की जगह क्या आएगा, एल अपॉन टू पाई, आंसर। फॉर्मूला रिंग और रॉड का तो पता ही है, पुट करके डिवाइड करके आंसर आए, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, ये पॉइंट क्लियर है, रॉड इज प्लेस्ड अलोंग लाइन, वाई इज इक्वल टू टू एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, और ये लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू टू एक्स, और इसका रॉड का सेंटर ओरिजिन पे है, ये सेंटर रॉड, ये रॉड है, प्लीज मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये थिन रॉड है और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इज मैक्सिमम अबाउट, देखो एक बात तो पक्की है, अगर मैं यही एक्सिस लेता हूँ तो फिर तो आंसर जीरो ही आएगा, कहाँ से मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ से एक्सिस पास होगा, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व वाला केस है, तो ऑब्वियसली चाहे यहाँ से पास करूँ चाहे यहाँ से पास करूँ एम एल स्क्वायर, लेकिन एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए, जेड एक्सिस, पर पेंडिकुलर में हमेशा मैक्सिमम आएगा, अलोंग में हमेशा मिनिमम आएगा, रॉड के अलोंग तो जीरो ही आ जाएगा कभी कभी, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो इसका जेड एक्सिस आंसर मार्क करना है। ये देखो हिट एंड ट्रायल है, टोटल हिट एंड ट्रायल, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए इसमें, करो जरा कैसे सोचेंगे, क्वेश्चन है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ये ना एक प्लेट है, प्लेट है, तो एक प्लेट है और द साइड्स आर सच दैट ए बी इज ग्रेटर देन
बीसी, तो आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो ए बी ग्रेटर देन बी सी, तो अगर ये 4 मीटर है या 3 मीटर तो ये 5 मीटर, ऐसे वन कुछ भी ले लिया, पाइथागोरस लगाना है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो ऐसी कोई वैल्यू लेके देख ली कि एक बड़ी है और ये छोटी साइड है। अब वो कह रहा है कि इसमें आई वन आई टू आई थ्री आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, तो अगर मैं एक्सिस ए बी लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई वन है, अगर मैं एक्सिस बी सी लूं तो बी सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई टू है, और अगर मैं ए सी लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें कितना है आई थ्री है, तो किसकी वैल्यू बड़ी किसकी छोटी। देखो फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करोगे तो मेरे पास तो है नहीं, ट्राइंगुलर शीट का फॉर्मूला नहीं मेरे को पता क्या है, तो ये ना आपको ऐसा करना पड़ेगा मास की डिस्ट्रीब्यूशन सोचनी पड़ेगी। देखो इसके अंदर बहुत सारे मासेज हैं शीट में, एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन, ऐसे मासेज हैं, तो एक बात तो पक्की है कि क्योंकि ये साइड बड़ी है ना, ये साइड जैसे 4 मीटर की है या 3 मीटर की है, तो ये साइड बड़ी है तो पार्टिकल्स की दूरी इस एक्सिस से सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है एम आर स्क्वायर। देखो मास तो चेंज हो नहीं सकता एम वन एम टू एम थ्री टू एम एन का, तो हमने क्या चीज़ चेंज की आर, तो अगर आर भी ज़्यादा होगा, अगर एक्सिस से पार्टिकल दूर दूर होंगे तो भी आई की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, तो मास की डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये लेंथ काफ़ी बड़ी है, तो पॉइंट पार्टिकल जो होंगे वो सबसे ज़्यादा दूर इस एक्सिस से होंगे, तो आई टू तो सबसे बड़ा है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, आई टू सबसे बड़ा आएगा, तो यानी कि आई टू सबसे बड़ा है, तो इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है आई टू ग्रेटेस्ट में, देखो क्या आंसर है इसका, बी आंसर है, तो चेक क्या करना, आई टू सबसे बड़ा है हो गया, आई टू सबसे बड़ा है डन हो गया, अब चेक क्या करूँ और आगे, हो तो गया आई टू बड़ा है, पर आगे का मुझे पता नहीं ना, आगे की डिस्ट्रीब्यूशन में सोचनी पड़ेगी, अगर ये एक्सिस लूंगा तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी है या ये एक्सिस लूंगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी है, वो मुझे पता नहीं, इसलिए जान के इसने आई टू की प्रेफरेंस दी, आई टू पता लग गया ना बात खत्म, फॉर्मूला तो कोई है ही नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड और हिट एंड ट्रायल और कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला, ठीक, तो मतलब कोई लॉजिक ऐसा नहीं है, आप सोचो कि फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या होगा, मुझे भी तो फॉर्मूला क्या है, बट समझ में आ रहा है कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन जितनी दूर होगी उतना आई बड़ा होगा, मौके की बात है, ये देख लो क्वेश्चन। देखो स्क्वायर लैमिना इज एज शोन, लैमिना क्या होता है एक शीट होती है, तो एक स्क्वायर लैमिना है, ये रहा स्क्वायर लैमिना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट थ्री एक्सिस इज एज शोन, तो आई वन आई टू और आई थ्री, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इससे पहले कि ये क्वेश्चन हम करें तो एक बात तो पक्की है कि आई वन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इसमें है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स हैं सबसे ज़्यादा दूरी इसी से आएगी, तो मैंने इसमें लिखा भी हुआ, रिमेम्बर आप फॉर्मूला बुकलेट में नोट भी कर लें, एक स्क्वायर लैमिना की ये डायग्राम बना लें और नोट भी लिख दिया, आप भी लिख लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट अबाउट डायगनल इज आई डी, अगर डायगनल के अलोंग आई डी है और जो साइड है उसके अलोंग आई एस है, तो याद रखना आई एस इज ग्रेटर देन आई, डायगनल में कम आता है और साइड में हमेशा मोमेंट इनर्शिया ज्यादा रहेगा, साइड में हमेशा सबसे मैक्सिमम रहेगा, तो लिखा भी हुआ है मैंने, बिकॉज मोमेंट इनर्शिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन मास की दूर दूर होती है इस वजह से, तो एक आंसर तो पता लग गया इसमें कि इसमें आई वन सबसे बड़ा आने वाला है, बात ही खत्म हो गई। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं आई वन सबसे बड़ा इसमें भी है इसमें भी है, ये तो हो नहीं सकता ये भी हो नहीं सकता, तो आंसर बी या सी में से है। आपको मुझे एक लॉजिक देना है,
इस क्वेश्चन में अगला जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आई टू आई थ्री है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, आई टू और आई थ्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में बराबर है, तो ये ऑप्शन है। ऐसा क्यों, कैसे पता लगा आई टू आई थ्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका। लॉजिक समझो, सपोज करो आपके पास ये एक स्क्वायर लेमिना में ये ले आया, स्क्वायर लेमिना है, ध्यान से देखना। अगर मैं ये बोलता हूं कि एक एक्सिस ये रहा और एक एक्सिस ये रहा, दोनों एक प्लेन में है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और तीसरा एक्सिस ये रहा, तो तीसरे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस प्लस दिस। और क्योंकि सिमेट्री में चाहे यहां से लो स्क्वायर है चाहे यहां से लो, बात तो बराबर ही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अबाउट आई बाई टू और आई बाई टू होगा, आई बाई टू और आई बाई टू, राइट, क्लियर है। अच्छा फिर से करते हैं सेम क्वेश्चन, अगर ये फिर से एक्सिस है और इसका मोमेंट इनर्शिया आई है, इस बार दो एक्सिस में डायगनल लूंगा ऐसे और ऐसे, अब डायगनल भी स्क्वायर के 90 डिग्री भी होते हैं, और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंगली अगर ये आई है तो डायगनल वाला भी आई बाई टू और आई बाई टू है, तो हो गया ना आंसर, ऐसे लो या डायगनल लो आंसर तो सेम ही आएगा। देखो एक बार इसने ऐसे लिया तो ये दोनों सेम होंगे, और डायगनल लेंगे तो भी आंसर सेम होगा, इसलिए आई टू किसके इक्वल है, आई थ्री के। समझ में आ रहे हैं आप, लगता नहीं है पर है, रेक्टेंगल में रूल चलता नहीं है, रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री नहीं होता डायगनल्स का, बट पॉइंट समझ में आ रहा है इसमें, लो आ गया रेक्टेंगल ही आ गया। अगला क्वेश्चन,
देखो इस क्वेश्चन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना है, ए बी सी डी ऑफ अ यूनिफॉर्म थिकनेस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट, ऐसे। तो अगर एक्सिस ऐसे है तो क्या होगा, अगर एक्सिस ऐसे है तो बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये और ये आपस में 90 डिग्री पे है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई टू प्लस आई फोर तो पक्का होगा, ये तो बात पक्की है, चारों का सम तो हो ही नहीं सकता, ठीक ये तो हो नहीं सकता। ये बताओ कि I1 और ये I3 होगा कि नहीं होगा, I1 I3 होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होता नहीं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगी नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक, एक ही आंसर है इसका। ये क्वेश्चन क्या ही करेंगे यार, आसान है ये क्वेश्चन, सही है करना, जरा सोचें इसमें कैसे करेंगे। देखो इस पॉइंट को समझते हैं एक बार, देखो इसके अंदर एक सेमी सर्कुलर टू डायमेंशनल प्लेट है, एक डिस्क है, प्लेट तो एक डिस्क है जिसका मास क्या है एम है और रेडियस क्या है आर है और सेंटर इसका सी है डिस्क का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम सी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सी डिस्टेंस से एक्स डिस्टेंस नीचे है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास में से अगर एक्सिस पास कर रहे हैं तो इसका आई क्या होगा ये बताओ। अब मेरे को तो इसका कोई फॉर्मूला आता नहीं, सेमी सर्कल का डिस्क का आता है। अच्छा अगर ये कंप्लीट डिस्क होती, ठीक है नहीं, पर अगर ये मान लो कंप्लीट डिस्क होती तो सेमी सर्कल का मास अगर एम है तो डिस्क का मास कितना है, सर्कल मीन्स डिस्क, तो डिस्क का मास क्या है 2m है, ठीक है तो सर्कल ले लिया कोई बात नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सी के अबाउट, क्योंकि सर्कल का सेंटर ऑफ मास तो सी है, तो सी के अबाउट अगर एक्सिस बोर्ड के अंदर पास कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू टू एम इंटू आर स्क्वायर, ये किसका आएगा फॉर्मूला, डिस्क का आ गया। तो फिर सेमी सर्कल डिस्क होती तो फिर क्या होता है, इसको हाफ से डिवाइड कर दें तो इसको हाफ करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर एक्सिस सी से पास हो रहा है ऐसे, तो सी से पास हो रहा है तो फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो सी से पास हो रहा है तो हाफ एम आर, पर हमसे पूछा कहां सी, हमसे तो सेंटर ऑफ मास पूछा। तो अगर सी एक्सिस है और सेंटर ऑफ मास के अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस है और इसके अबाउट अगर आपको आई निकालना है तो सी के अबाउट फॉर्मूला क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इसमें क्या होना चाहिए, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, पर ये थ्योरम गलत लगा रहा हूं मैं, ये थ्योरम मैंने गलत लगाई, आपको हो गया पिछले लेक्चर ठीक लग रही थी, आज कैसे गलत हो गई, थ्योरम तो ठीक लग रही है। थ्योरम का एक रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, थ्योरम का रूल ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई डिस्क है और एक एक्सिस कहां से पास कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से, इसका ये फॉर्मूला है, और अगर कोई भी एक्सिस पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास है तो उसमें फॉर्मूला क्या आएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू आर का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही लगाई मैंने, पर अगर आप ये कहो कि सर मेरे पास तो डिस्क है और इसके अबाउट फॉर्मूला आई है, आप सेंटर ऑफ मास में बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, तो अगर मैं आप सोच रहे हैं ये बोलूंगा कि ये लगेगा तो गलत लगेगा। तो आप सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के पैरेलल
एक्सिस लेते हो तो थ्योरम लगती है, पर अगर पैरेलल एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू लगाओगे तो थ्योरम नहीं लगती, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहला एक्सिस कहां से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास में से। इंपॉर्टेंट है ये रूल, समझ में आ रहा है? देखने में कैसे लगते हैं। अब रूल लगाते हैं, देखो। अब इसका मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सिस है तो आई सेंटर ऑफ मास, और अगर मुझे सी के अबाउट मोमेंट इनर्शिया निकालना है विच इज नॉट सेंटर ऑफ मास तो थ्योरम लगेगी। तो क्या फॉर्मूला आएगा? आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ डिस्क इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। पर सी के अबाउट तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं हाफ एम आर स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास में क्या आएगा? इसमें से इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। है कि नहीं सही क्वेश्चन? पॉइंट क्लियर है यहां तक कि थ्योरम गलत लगा रहे थे और जानबूझ के उसने भी क्वेश्चन ऐसा बनाया कि गलत लगे, ठीक? ऐसे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर कोई करके आता है और घर आके बोलता है पेपर बढ़िया हो गया, और फिर रात को जब कीज निकलती है ना, रात को डालते हैं जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, तो कहते हैं की चैलेंज करूंगा देखना, तो पेपर तो बढ़िया हुआ था क्योंकि, ठीक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? हो जाता है कई क्वेश्चन वो जानबूझ के ट्रैप फंसाते हैं, ट्रैप वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि पता नहीं यार क्या किया क्या हुआ है। देखो, हम ना पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले, देखने में आसान भी ऐसी बात नहीं है। देखो, क्वेश्चन है
स्क्वायर को चार रॉड से बनाया गया, एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड और चार रॉड, मास एम है और लेंथ एल है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस पी क्यू, ठीक है, स्क्वायर बन गया है तो पूरा। तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि अगर इसके अबाउट आई निकालना है, अबाउट पी क्यू, तो पहले आर एस में निकालना पड़ेगा ताकि मैं क्या लगा सकूं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आर एस में अगर मैं निकाल दूं, फिर पी क्यू में क्या होगा, आई आर एस प्लस टोटल मास रॉड्स का कुल मिला के क्या हो गया 4m, और इनटू इनके बीच में डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, एक्स टू मैं आपको निकाल के दे ही सकता हूँ। डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है, रूट टू एल, और ये आधा डायगनल है, आधा डायगनल का मतलब रूट टू एल बाय टू, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को सिर्फ आपको ये बताना है, ये तो बता दिया मैंने, आपको सिर्फ क्या बताना है, आई ऑफ आर एस, ठीक। अब आई आर एस में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि रॉड आपकी ऐसी है और एक्सिस आपका एस है। कैसे, जैसे सपोज करो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। अगर ये एक रॉड है और अगर एक्सिस सेंटर से पास होता है तो बोलो आई का फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 12। अगर ये रॉड ऐसी है और एक्सिस यहां से पास होता है विच इज परपेंडिकुलर, तो बोलो फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 3 किया हुआ है। पर ये तो नहीं किया हुआ कि अगर ये रॉड है, अगर ये रॉड है जिसकी लेंथ क्या है एल है और मास क्या है एम है, और एक्सिस कहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, ये लो ये इसका एक्सिस है। ये नहीं किया हमने, ये किया है हमने, ये भी किया है, पर ये नहीं किया कि एक्सिस टेढ़ है, मतलब इनके बीच में एंगल सपोज कितने हैं थीटा, ये नहीं किया। इसका आई क्या होगा, इस एक्सिस पे आई क्या होगा, ये नहीं पता। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोई पार्टिकल कैसे लेता हूं, इसके ऊपर लेता हूं, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से एक्सिस से डिफरेंट है, और अगर मैं एक्सिस ये पॉइंट ये लेता हूं डिस्टेंस बढ़ गया, पॉइंट ये लेता हूं डिस्टेंस बढ़ गया, तो मेरे को क्या बनता है करना, इंटीग्रेशन। पहले मैं एक पार्टिकल का स्मॉल मोमेंट इनर्शिया निकालूंगा, फिर सभी का इंटीग्रेट करके आंसर निकालूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका मास क्या ले लिया डीएम, ठीक है, तो इसका मास क्या ले लिया मैंने डीएम। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। आगे तो इसका मास डीएम ले लिया और इसकी लेंथ क्या ले ली, सपोज dx, दिस इज अ पॉइंट मास, और टोटल लेंथ अगर l है तो इसमें ये जो डिस्टेंस मैंने लिया, ये जो पॉइंट मास लिया, सपोज कितने डिस्टेंस पे लिया x, तो ये बताओ कि इस पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या बनेगा, x sin थीटा। तो पॉइंट मास dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x sin थीटा है, तो इसका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, dm into x sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, तो इसके अंदर अगर डीएम की वैल्यू पूछे तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी, अगर लेंथ एल है रॉड की तो मास एम है, वन है तो एम बाय एल है, और अगर डीएक्स है तो एम बाय एल इंटू डीएक्स है, तो ये क्या आ गया, ये डीएम आ गया, ठीक है। तो डीएम की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, एम बाय एल इंटू डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डीएक्स इंटू डीएक्स, इसकी क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। जीरो से आए, एक्स की लिमिट लगेगी, एक्स अगर जीरो है तो पहला एलिमेंट यहां पर है, एक्स एल है तो आखिरी एलिमेंट यहां पर है, तो जीरो से लेके एल तक। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एम बाय एल बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक। तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की जगह एल पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, एम बाय एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल क्यूब बाय 3, एक एल से एल भी कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर
थीटा। आप अपने फॉर्मूला बुकलेट को ओपन करें, ये आपने कुछ नहीं करना, बस एक डायग्राम बनाएं, ये रॉड बनाएं, इस रॉड के यहाँ ये एक्सिस बनाएं और एंगल ये थीटा लें और इस एक्सिस को मानते हुए आई का शॉर्टकट फॉर्मूला नोट करें, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बस ये नोट कर लें, बात हो गई खत्म। आपको इंटीग्रेशन करनी नहीं है, आपको सीधा शॉर्टकट लगाना है, बात ही खत्म। एनसीईआरटी में आना नहीं है, कॉम्पिटिशन में आना है तो सीधा फॉर्मूले से काम चल जाएगा। कौन करेगा बैठ के ऑब्जेक्टिव में ये? ठीक है, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि कैसे किया। आपको नहीं करना, आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक? देखो यूज़ हमने ऑलरेडी, अगर हम इसे इसको एक स्पेशल केस देखें, स्पेशल केस है, इमेजिन करें ये थीटा 90 है, तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा? ये रॉड है और ये एक्सिस है, तो एंगल क्या हो गया 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, वो तो ऑलरेडी पता है हमें, अगर साइड का एंगल एक्सिस टेंजेंट है एम एल स्क्वायर बाई 3 आंसर है, पर अगर टेंजेंट नहीं है थीटा है तो साइंस पे थीटा ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? चलो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सोचा नहीं होगा आपने इसकी एप्लीकेशन है, ये देखो एप्लीकेशन कैसी है। ये आपकी पहली रॉड है, देख रहे हो, और ये आपका एक्सिस है, ये 45, तो ये भी क्या है 45। अब देखो इस एक्सिस पे आई क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 आंसर पहली रॉड का, और ऐसी कितनी रॉड्स हैं 4, तो ये देखो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये रहा साइन थीटा में थीटा 45 पुट करके ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि ये 4 टाइम्स क्यों किया एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये आई ऑफ क्या आ गया आर एस, क्योंकि 4 रॉड्स हैं, फिर थ्योरम ऑफ पैरेलेक्सिस ऑलरेडी लगी हुई है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है। ये इसलिए करवाई है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर ना ये डाउट बहुत लोगों को आता है कि कैसे किया, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर भी लोग देखते हैं तो ये फॉर्मूला लोग समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है, तो इसलिए पहले प्रूफ करवाया है और ये फिर इसलिए डाउट आप कम आएंगे। ठीक ठीक है, आपने काम करना है, जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपने अब ट्राई करने हैं, क्वेश्चन है साथ में सॉल्यूशन भी है वैसे तो, पर आप पहले ट्राई करें, और एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दी हुई है सारी, तो एक बार खुद ट्राई करें बच्चे के क्वेश्चंस, और डाउट है तो फिर पूछें। ठीक है यहाँ तक?